हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब में आपका तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरी दाल। अभी मैं इसे घोट तो नहीं सकती, हल्के हाथ से बस इसे मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इसमें सेंगट डाली हुई है और इमली के दाने डाले हुए हैं। तो मैं इसे ज़रा घोट लेती हूँ हल्के हाथों से। आप भी इसे हल्के हाथों से ही घोटें, क्योंकि इसमें सेंगट पड़ी हुई है, वो फूट ना जाए। इसलिए मेरी तो काफ़ी तो एक दो फूट ही गई है, सारा टेस्ट दाल में मिक्स हो गया होगा माशाल्लाह। तो ये मेरा दाल का बघार रेडी हो रहा है माशाल्लाह। और दाल में डालने के लिए है मेरे पास ये कोथमीर। मैं बारीक अच्छी बारीक तरह से काट के दाल में सजावट के लिए शामिल कर दूंगी। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये दाल का बघार भी देख सकते हैं आप। हाँ, देख सकते हैं आप किस तरह से रेडी हो रहा है। ये मेरे दाल का बघार है। ये दाल को कांदा, राई और इन सब चीजों से बघारने से बड़ा मजा आता है। अभी मैं इसमें थोड़े से लहसुन डाल दूंगी साबुत, जो इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और दाल को बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये किस तरह से लाल हो चुका है बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह। क्या आप भी मेरी तरह ही दाल पकाते हैं? क्या आपकी भी दाल में मेरे जैसा ही टेस्ट आता है, खट्टा इमली का टेस्ट और कांदे की बघार का टेस्ट? जो मुझे तो वैसे ही दाल पसंद है, जिसमें मैं सिर्फ दाल चावल भी खा लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे माशाल्लाह। अभी ये देखिए आप, ये हो चुका है रेडी बघार, लहसुन वगैरह सब भून चुके बहुत अच्छे से। देखिए अब हम इसे बघार में शामिल करने जाएंगे दाल में। हमें इसे ढाक दूंगी ताकि इसकी जो खुशबू है वो बाहर ना निकले और बहुत अच्छा टेस्ट आए। आपको मैं दिखा माशाल्लाह, आप मेरी दाल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। इसमें सेंगट है सेंगट है टमाटर। और अब सब्जी की बारी आती है, सब्जी देखते हैं गली है या नहीं। बटाटा गल चुका है, अब हम इसे इसमें कोथमीर से गार्निश कर देंगे। और आप ही आ जाइए खाने के लिए।